Hello everyone, how are you? Hope you all are fine and doing great at your home. In previous video, we have gave you a task. I hope you all are doing well. Means आप लोग वो टास्क को कर रहे होंगे, उस टास्क में बिजी होंगे. मैंने क्या दिया था चार्टबोर्ड पे आपको? वेदर रिपोर्ट को स्टिक करने का वर्क दिया था. आई थिंक आप लोग सब लोग बिजी होंगे, कुछ ज्यादा ही बिजी होंगे इस काम में. खैर, तो आप कुछ लोगों ने तैयार भी कर लिया होगा, दो दिन, तीन दिन, चार दिन के रिपोर्ट आपने तैयार भी कर लिए होंगे. तो आपने क्या देखा उसमें? आपने क्या देखा? वेरिएशन देखे क्या? आपने ऐसा देखा कि आज का जो मैक्सिमम टेम्परेचर था, क्या वो कल के मैक्सिमम टेम्परेचर से सेम है या फिर वेरी कर रहा है? ऑफ कोर्स वेरी कर रहा है. कभी कभी हम देखेंगे कि कभी कभी का सेम होता है, बट हमेशा इट्स वेरिएस, मतलब वेरिएट करता रहता है. सो वाई वाई वेरिएट? हमने बताया था मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर से हम वो टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ठीक है, कितना मैक्सिमम था और कितना मिनिमम था. तो ये वेरिएट करता रहता है, सेम नहीं होता. और ऐसे भी बहुत सारे प्लेसेस होते हैं जहाँ पे हमेशा बारिश भी नहीं होती है, तो आप रेनफॉल को भी आप मेजर हमेशा नहीं कर सकते. अगर रेनफॉल के लिए आपने जगह बनाया है चार्ट में, तो आप उसको क्या करोगे? खाली छोड़ दोगे. और हमें बताया था रेनफॉल को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट क्या नाम होता है उसका? रेन गज. RAIMGAUGE, रेन गज इज इंस्ट्रूमेंट दैट वी विच मेजर द रेनफॉल. ना रेनफॉल हुआ वो हम मेजर करते हैं. तो रेनफॉल के लिए आप जगह छोड़ भी सकते, क्योंकि रोज बारिश नहीं होती है. बारिश की कंडीशन बनती है जहां का वेदर जो बहुत हीट हॉट हो और वेट हो, ऐसी जगह पे बारिश ज्यादा होती है. सब लोग जानते हैं ना, हॉट एंड ड्राई वेट प्लेसेस पे मोस्ट रेनफॉल होता है. उसके बाद बात आती है कि जब हमने वो सारी सारणी बनाए, तो एक ग्राफ भी बनता है, जैसे कि ग्राफ वेरी करता है. जैसे 3 तारीख को 23 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर था, एंड उसी डे 3 अगस्त, मान लीजिए 3 सितंबर 2020 का हम बना रहे हैं, तो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना आया? सुबह का, दोपहर का 26 था, तो शाम का उससे थोड़ा कम होगा. कि हम सभी लोग जानते हैं कि दोपहर के टाइम का जो टेम्परेचर होता है वो सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है. और शाम में या अर्ली मॉर्निंग का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत मिनिमम, वो सबसे मिनिमम होता है. तो ये आप लोगों ने रिकॉर्ड किया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू. सो राइट नाउ अब एक बात आती है कि कैसे किसी जगह का मैक्सिमम हो जाता है, मिनिमम हो जाता है. तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाय सन. ऑफ कोर्स रोटेशन ऑफ अर्थ इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल, बट द मोस्ट दैट इज सन. सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी. वाई सन? आप सभी लोग जानते हैं सबसे बड़ा होता है सन, और बहुत ही गर्म होता है. वो इतना बड़ा होता है, काफी हमसे दूरी होने के बाद भी उसकी लाइट और हीट हम तक पहुंचती है. क्यों? बिकॉज ऑफ ह्यूजनेस. सन बहुत ह्यूज होता है, तो हम अर्थ पे होते, इतनी दूरी पे होते, फिर भी हमें उसकी हीट और लाइट हमें आसानी से मिलती है. दैट्स वाई इट्स अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी. सभी लोग जानते हैं, आप जहां अगर कोस्टल एरिया पे रह रहे हो, अगर आप सी ओशियन के साइड रह रहे हो, तो वहां का वेदर और जहां डेजर्ट है वहां का वेदर, दोनों में बहुत वेरिएशन होगा, दोनों सेम नहीं होगा. अगर आप सी के पास रह रहे हो तो उसका वेदर डिफरेंट होगा, और अगर आप रेगिस्तान जो डेजर्ट होता है वहां रह रहे हो, तो उसका भी टेम्परेचर क्या होगा? डिफरेंट होगा. क्यों? बिकॉज ऑफ द सन. इसीलिए मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन सन. सन की वजह से ऐसा होता है. आपने जो वेरिएशंस निकाले हैं, जो आपने चार्टबोर्ड पे चिपकाए होंगे, तो उसमें भी काफी वेरिएशन. आप एक ग्राफ भी तैयार कर सकते हैं. तो आप सामने एक ग्राफ देख रहे हैं, ये एक रिपोर्ट का ग्राफ तैयार है कि कैसे 23 को कितना था, 26 को कितना है, और कैसे ग्राफ बन रहा है कि डे 3 को यहां तक टेम्परेचर गया 23, फिर डे 4 को 25 चला गया, फिर ड्रेस्टिकली नीचे मिनिमम हो गया, ऐसे करके. फिर आप जब जम्मू कश्मीर, हम ऐसे एरिया में जाते हैं जहां बहुत ठंडी होती है, हम लोग अभी जहां रह रहे हैं वहां का एवरेज मान के चलते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसे भी प्रदेश है या ऐसे स्टेट है जहां का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही लो होता है. तो अब हम देखेंगे कि आखिर ये वेरिएशन क्यों होता है. आखिर दिन, कभी आप देखोगे दिन बहुत बड़ा हो जाएगा, कभी दिन छोटा हो जाता है.
ये देखते हो कि कभी ठंडी के मौसम में हमें खेलने का टाइम नहीं मिलता है। आप जब तक खेलने के लिए निकलते हो तब तक देखते हो कि सूर्यास्त हो चुका है और अब अंधेरा हो गया। लेकिन गर्मी में क्या ऐसा होता है? गर्मी में क्या होता है? दिन काफी लंबा होता है और रात छोटा होता है। सो क्यों होता है, आपने कभी सोचा? दूसरी बात कि हम जब वहां का मौसम, कहीं का मौसम हमेशा बारिश होती है या कहीं पे हमेशा गर्म होता है, जिस जगह का बहुत ज्यादा धूप रहती है वो जगह बहुत ही गर्म होता है और कहीं बहुत ठंडा होता है, तो ये सभी चीज किस पर डिपेंड करता है जानते हैं? अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? डू यू नो दैट इज क्लाइमेट। ये सब किस पे, किसकी वजह से होता है? दैट इज क्लाइमेट। वेदर में डिफरेंट वेरिएशन होते हैं बट क्लाइमेट इज फिक्स्ड। तो व्हाट इज क्लाइमेट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट की हिंदी मीनिंग हम लोग, हम उसे जलवायु बोलते हैं, बट व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन? सो द डेफिनेशन इज द एवरेज पैटर्न, द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन अ लॉन्ग टाइम लाइक 25 ईयर्स, 5 ईयर्स, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, मतलब जितने भी ज्यादा समय तक के लिए जो एवरेज वेदर पैटर्न रहता है दैट इज नोन एज क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस। वेदर हमेशा वेरी करता है। हम जानते हैं कि अगर 7 दिन तक सेम वेदर मैक्सिमम मिनिमम भी सेम आता है लेकिन उसके नेक्स्ट डे वो जरूर चेंज होता है, बट जो क्लाइमेट होता है इट विल वो हमेशा सेम होता है। क्या होता है वो हमेशा सेम? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होते हैं, मेट्रोलॉजिस्ट, वो हमेशा वेदर रिपोर्ट को क्या करते हैं? नोट करते हैं। उनके पास कई सारे आंकड़े होते हैं। अब आप सामने एक देखोगे, दो टेबल आया है, जम्मू एंड कश्मीर का और तिरुवनंतपुरम का, दो ये पैटर्न है। तो यहाँ जनवरी में, मार्च में, अप्रैल में ऐसा यहाँ मीन निकाला हुआ है, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के बीच का टेम्परेचर यहाँ दिया हुआ है, डेली रिपोर्ट है, दैट इज डेली रिपोर्ट। तो ये पैटर्न जो हमेशा फिक्स हो गया बहुत समय के लिए दैट इज नोन एज क्लाइमेट। बट वेदर, वेदर में थोड़ा डिफरेंस ये था, वेदर में चेंज होता है, उसके एलिमेंट्स अलग होते हैं, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एंड और भी कई सारे एलिमेंट्स हैं, रेनफॉल, स्टॉर्म, विंड, दे ऑल आर एलिमेंट्स ऑफ वेदर, बट दिस क्लाइमेट दैट इज द पैटर्न विच शोज क्लाइमेट ऑफ दैट पार्टिकुलर प्लेस। सिमिलरली वेन वी कंपेयर वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान, the temperature a mostly high। क्या होता है? टेम्परेचर बहुत हाई होता है राजस्थान में। हमें इस मंथ, हम ज्यादातर मंथ में देखेंगे कि वहां का टेम्परेचर हाई होता है, बट इन विंटर दे वेरी लो टेम्परेचर। विंटर में क्या हो जाता है? लो हो जाता है। कोई बिकॉज वहां का जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है? हॉट एंड ड्राई, बट ड्यूरिंग विंटर में ही सिर्फ लो होता है, बाकी जो समर चलता है तो क्या होता है? मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वहां का। तो इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज द टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, दिस इज द टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, दैट इज हॉट एंड ड्राई। बट इन नॉर्दर्न, अभी तो हमने वेस्टर्न की बात की, बट इन नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव रेन फॉर मैक्सिमम मंथ। नॉर्थ पार्ट इंडिया जो होता है, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट होता है उसमें हमेशा टाइम क्या होता है, जैसे कि राजस्थान में मैक्सिमम टेम्परेचर होता है तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा रेन होता है, रेन फॉर मैक्सिमम मंथ, सारे ईयर के हर महीने में वहां बारिश होती है। वाई? सो वी कैन से दैट क्लाइमेट इज वेट, कि वहां का जो क्लाइमेट है वो क्या है? वेट है। और जब हम जानते हैं कि जहां का क्लाइमेट वेट होगा वहां बारिश सबसे ज्यादा होगी। सो वी हैव कंक्लूडेड दैट कि व्हाट इज क्लाइमेट। हमने वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस भी देखा कि वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है। क्लाइमेट द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन वेरी लॉन्ग टाइम, दैट इज 25 ईयर्स और 50 ईयर्स और 5 ईयर्स एंड सो ऑन इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। एंड हमने क्लाइमेट देखा केरला, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, तिरुवनंतपुरम का हमने लिस्ट भी देखा। तो ये सारी चीजों से हमारा जो क्लाइमेट है वो हमारा क्लियर हो गया। इन नेक्स्ट वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट हाउ टू अडेप्टेशन एनिमल्स, अडेप्टेड हम किसी जगह कैसे रहते हैं इसके बारे में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।